आज विशेष परिस्थितियों में आपको सबको बुलाया है, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करता हूँ। पे क्यों बुलाना पड़ा, एक मेजर कारण है। आज मेरा नगर परिषद साचौर के पब्लिक और आम पब्लिक इतनी परेशान है कि जिसको हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसका रीजन है कि आज लास्ट 12 महीने से लास्ट अक्टूबर से लगाकर अभी सितंबर तक, अभी जहाँ जो हमारी परिस्थितियाँ बनी हैं, जिस तरह की परिस्थिति बनी है, उसमें न तो पब्लिक का कोई काम हुआ है, न सारा कुछ हम कर पा रहे हैं। उसका रीज़न मैंने करके कि जैसे पहले जैसे आपको फरवरी में नवंबर में लग गई थी आचार संहिता लास्ट में, तो दिसंबर में पूरी हुई। दिसंबर में पूरी होने के बाद में जैसे सरकार का गठन हुआ तो सारे अधिकारियों को ये निकाल के पूरा नगर पालिका साफ कर दी कि नगर पालिका को अधिकारी रखा नहीं, न जयंत रखा, न ये रखा, न LDC रखे, न बाबू रखे, न उसके बदले में कोई आया करके। तो थोड़े दिन बाद में एक आयुक्त आए करके, तो आयुक्त आने के बाद में जनवरी में आपकी गवर्नमेंट बनी, उसके बाद में फरवरी में आयुक्त आए, उस आयुक्त लगने के बाद में तुरंत ही मार्च महीने में लग गई आचार संहिता लोकसभा की। तो लोकसभा की लगने के बाद में तो कोई काम कर पाया नहीं, तो कोई हमारा हाथ में कुछ है नहीं करके, हम कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद में तुरंत ही जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तो उसके बाद तुरंत ही बाद में ये अपने उसका UO को APO कर देते हैं। जैसे APO को रिटायर किया, अभी बाद में एक महीने बाद APO आता है दूसरा, तो उसको भी APO हो जाता करके। आज दो महीने से इस बड़ी नगर परिषद में, जो आज जिले की नगर परिषद है, उसके अंदर कोई भी अधिकारी नहीं है साहब, कोई बाबू नहीं है, कोई LDC नहीं है। एक तो है, एक दो बाबू है, दो एक दो LDC और एक ऐसे, तीनों के भरोसे पूरी नगर पालिका चल रही है। पूरी पब्लिक साचौर की जनता पूरी मेरी हैरान है, परेशान है। न लाइट की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था। हम लोग का भी हम सफाई देख रहे हैं करके कि आज खुद मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जैसे ही मैं आया आज, मैं 10 दिन से रोज सुबह से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि व्यवस्था को वापिस लाइन में लाऊँ, किस तरह लाऊँ, वो सब प्रयास मैं कर रहा हूँ। परंतु उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। क्यों रहेगा, उसका भी एक रीजन है करके कि आपको लोगों को भी जागृत करना पड़ेगा आपके माध्यम से। आप जैसे जागृत करेंगे, जैसे हम लोग, मैं भी जागृत करूँगा, परिषद भी जागृत करेंगे और लोग भी जागृत करेंगे, तो सफाई व्यवस्था हो सकती है। कैसे कि जो अपने जो ये लोग प्लास्टिक व्यापारी जो होते हैं, प्लास्टिक जो रोड के ऊपर डाल देते हैं, जो हमारी गौ माता खाती है, जो हमारी नंदियाँ खाती है, वो बीमार होती है, आज हम पाप के भागीदार बनते हैं। और उसके बाद में वो क्यों वो प्लास्टिक नालियों में जाती है, बोतलें पानी की वहाँ जाती है करके, जबकि बनिस्पत व्यापारियों को और आम पब्लिक को सबको वो चीज़ें इकट्ठी करके हमारे परिषद की गाड़ी आवे, जहाँ परिषद का सामान रखे वहाँ पर अगर इकट्ठी करें तो हम ये काम रोक सकते हैं करके, और थोड़ी सेवा व्यवस्था में मदद मिल सकती है, तो वो हम तो कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आज मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, कोई टेंडर नहीं लगा पा रहा हूँ। जैसे हमने प्लास्टिक में कलेक्टर महोदय को मिला था, उनसे मैंने निवेदन किया कि साहब अभी हमारे पास में कोई अधिकारी नहीं है, कैसे नहीं है, पूरा साचौर आज अंधेरे में, लगभग 50% आज अंधेरे में डूबा हुआ। उसका मेन रीज़न है कि हमारा EHCL की लाइटें थी, EHCL की लाइटें पहले DLB ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, उसके बाद में जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, नया कॉन्ट्रैक्ट आज दिन तक किसी को दिया नहीं, न हमको दिया करके आप इसको दूसरे को ऑर्डर देकर काम करवाओ। तो अब हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई कि नहीं तो हम कर सकते हैं, नहीं कुछ हमारे हाथ बंधे हुए करके, तो इसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालें। ऐसी मेरी आपके माध्यम से, मेरे प्रशासन से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। कलेक्टर महोदय ने हमको बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि नरेश जी आप काम करिए, जो सहयोग चाहिए मैं आपको करूँगा करके, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कलेक्टर महोदय को। परंतु जो हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे MLA है, MPs है, जो भी सरकार के हैं, जो पार्टी से, उनको पार्टियों से मतलब नहीं रखना चाहिए, उनको जनहित में आगे आकर काम करना चाहिए और हमारे साथ में कंधा से कंधा में ले रहेगा। अगर हमारे से कोई भी शोक चाहिएगा तो हमारा पूरी परिषद पूरी साथ में तैयार है, परंतु जल्दी से जल्दी हम लोग का पूरा ये अपना सहयोग करेंगे तो हम लोग ये काम कर पाएंगे। आज पूरा साचौर के अंदर आज इतने खट्टे पड़े हुए हैं, आप देख नहीं पाओगे, आज मोटरसाइकिल चल नहीं पाते, रोड को बंदी चल नहीं पाते। रानीवाड़ा जो PWD की है, 4500 PWD की है, पर बाकी तो गांव की रोड हमारे नगर पालिका की, तो क्या करो, उसमें भी हम लोग नहीं कर पा रहे। परंतु अब कुछ भी करके, कैसे भी करके, कलेक्टर महोदय ने बोला कि आप नरेश थोड़ा काम करवाइए, तो इस तरह थोड़ा मैं करवाने की कोशिश करूँगा। परंतु जब तक ऊपर के नेताओं का, उनका सहयोग का आयुक्त नहीं लगाएंगे तो कुछ काम होने वाला है नहीं। जब तक प्रमाण आयुक्त आएगा तो ये हमारा काम हो सकता है। तो कैसा भी करके ये आयुक्त आवे, आपके माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से, कि शासन को, सरकार को, भजनलाल जी सरकार को, के हमारे साथियों को, कैसे भी करके अधिकारी दे, बाबू दे, LDC दे, JN दे, तो ये हमारा कुछ काम हो सकता है करके।
हम उसका काम करवा तो कैसे, बिगर अधिकारी के कोई अधिकारी ऑर्डर दे सकता है किसी को टेंडर देना है या किसी को काम देना है, क्योंकि कोई भी काम करेगा ठेकेदार रहेगा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो उसको पेमेंट करना है या उसको वर्क ऑर्डर देना है, तो बिगर आयुक्त के सामने दे सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक आयुक्त नहीं आएगा या जो भी परमानेंट अधिकारी नहीं रहेगा तो कर नहीं पाएंगे करके। बाविस का मामला था जो हमारा एसीबी में चला था करके, और हमारी फाइल वहाँ पूरी कर दी थी। उसमें क्या हुआ था करके, जो उन्होंने जो हमारे पट्टे होते हैं, पट्टे हमारे पास में बाबू की फाइल आती है, बाबू देखता है, बाबू के बाद में उसकी जेल रिपोर्ट करता है, जेल के बाद में वकील के पास जाती है, वकील के पास में एल ए के पास जाती है, पटवारी के पास में जाती है, फिर ईओ के पास में आती है, मेरे पास में तो काउंटर साइन में आती है। नंबर एक। नंबर दो, जैसे ही हमको मालूम पड़ा हमने तुरंत उसी टाइम पे 2022 में उसी टाइम हमने पट्टे कैंसिल कर दिए, और भी हमारे पास में कोई भी शिकायत आई हमने पट्टे कैंसिल किए, और आज भी आपके माध्यम से सबको मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि कोई भी अगर इसी प्रकार की शिकायत रहेगी पट्टा कैंसिल करने में 2 मिनट हमने लगाएंगे नहीं, हम कोई उसके सहायक सहयोग में नहीं है। कि लोगों ने जब वो प्रशासन सेवा संघ चल रहा था उस टाइम सैकड़ों लोगों ने फाइल एक्सटी हुई और जो टाइम उन्होंने पट्टे लिए होंगे करके, उसमें जैसे जिसकी भी शिकायत आई है जो शिकायत आई है वो सारे पट्टे हमने रद्द कर दिए। जो सरकार से हमने बोरला तालाब का हमने काम लिया था, जो राज्य सरकार ने 3 करोड़ रुपया हमारा पास किया हुआ है, परंतु पानी की वजह से बोरला तालाब आज भरा पड़ा है, नहीं तो बोरला तालाब हमारा संदिग्ध हो जाता। हमारे जितने भी रास्ते थे, 4 रास्ता हो, पीड़ित रोड हो, जितने चौराहे हो, जितने शौक चौराहे हो, उसको सौंदर्यीकरण किया करके, और जो सब जो भी स्टेशन से तो स्टेशन भी लगाए गांव को सुंदर को शहर बने, क्योंकि अभी हमारा जिला बन गया है, तो हमारा दायित्व है कि हमारे गांव में कोई भी आवे तो लगे कि वास्तव में कुछ शहर में कुछ काम हुआ करके। जैसे घूमने की चीज़ें हैं, जैसे अपना ये स्मृति वन तैयार हुआ तो उसमें भी हमारा देवर नगर पालिका से हो रहा करके, इस तरह का। और मैं तो और भी कुछ चाहता था करके, परंतु अभी ये जो 12 महीने से हमारा जो काम डिस्टर्ब हुआ उसमें मैं थोड़ा और डिस्टर्ब हो गया। मैं यहाँ पर आपका जो मैदान है, खेल मैदान है, वो मैं बनाना चाहता था, एक स्टेडियम ये अपना म्यूजियम बनाना चाहता था, पर जो भी आगे प्रोसेस है करके, जो भी हमारे से बन सकेगा वो करेंगे करके। तो धन्यवाद ललित जी आपको, क्योंकि इस सीवरेज के लिए मेरा मेन मुद्दा सीवरेज का था। जैसे ही हमारा जिला बना, जब आपने अशोक जी गहलोत यहाँ आए थे उस टाइम मैंने डिमांड रखी थी, जो वीडियो आपके पास सबके पास में होगा, और अशोक जी ने मेरे को आश्वस्त किया था कि नरेश जी सेठ साहब आपका जो सीवरेज वाला मामला है वो वास्तव में होना चाहिए करके, जिला आपका बन गया है, सीवरेज आपकी बन जाएगी, परंतु हमारी सरकार नहीं आ पाई, नहीं तो इस बजट के अंदर अशोक जी गहलोत हमको सीवरेज दे देते थे। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो भी सरकार से निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें, क्योंकि हमारा सांचोर एक कटोरा टाइप कटोरा बना हुआ है, पानी निकासी साहब कहीं पर भी नहीं है करके, आप कभी भी देख लो करके पूरे गांव के अंदर पानी की निकासी नहीं है। आज नाली बना देते हैं, रोड बना देते हैं, पर वो पानी रोड पर आ जाता है, कारण क्या करके कि पानी की निकासी नहीं है साहब। आज ये मेरे कार्यकाल की बात नहीं है, जब से नगर पालिका बनी तब से है करके कि सांचोर अपना कटोरों में बसा हुआ है, ये कारण ये है सर। तो उसके लिए कोशिश अपने करनी पड़ेगी, सब जनप्रतिनिधि हम लोग सब मिलकर कार्य करेंगे तो साहब ये सीवरेज लाइन आ सकती है, क्योंकि हमारी जो टैंप की जो इसकी डीपीआर है आरयू डीपी में पड़ी हुई है, लारयू डीपी में पड़ी हुई है, आज भी जयपुर के अंदर अगर हमारे जनप्रतिनिधि सजग और सतर्क रहे तो हमारे ये सीवरेज आ सकती है सर।